Assalamu alaikum students. Hope you will enjoy this video. So once again I am before you with a new video. Uh, in this video we will discuss on questions answer from the chapter curious robots. <clears throat> so without wasting time, uh, now come to the questions answers. रीड टू अंडरस्टैंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज वट वॉज द वर्क बीन डन बाई द रोबर्ट्स तो पहला क्वेश्चन की जो रोबर्ट्स था उन्होंने वो लोग क्या काम किए थे उन्होंने अभी तक क्या काम किए थे क्या काम कर रहे थे तो उसका आंसर है द रोबर्ट्स वेर वॉकिंग एट अ रिपेयर वॉक स्टेशन बाई द साइड ऑफ हाई जो रॉबर्ट्स थे वो क्या काम काम कर रहे थे रिपेयरिंग का ओके वॉकिंग एट अ रिपेयर वाक स्टेशन पे वो काम कर रहे थे तो ये सवाल मैंने आप लोगों को उसमें भी पूछा था तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने सवा सही जवाब दिया था लेकिन वहाँ पे वास यहाँ पे वायर की जगह उन्होंने वास का इस्तेमाल ज़्यादा किया था ओके okay. तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट रीजन व्हाट रीजन डिट मोब गिव फॉर सेइंग ह्यूमंस वेर सुपीरियर टू रॉबर्ट्स तो जो मोबर्ट्स है उसने क्या रीजन दिया है कि वो बोल रहा था कि वो कह रहा था कि जो इंसान है वो सुपीरियर है ओके okay. वो ताकतवर है इंसान रॉबर्ट से तो उसके लिए उसने क्या रीजन दिया ओके okay? तो उसका आंसर है सेड ह्यूमंस डिड नॉट हैव टू सॉरी तो मोब ह्यूम इफ़ दे तो उसने कहा इंसान जो है वो ताकतवर है यानी किससे रोबर्ट से, से. क्योंकि उनको किसी ऑर्डर के किसी का हुक्म को उनको फॉलो करने की क्या नहीं है यानी वो नहीं कर सकते किसी भी अगर वो नहीं चाहते हैं तो किसी का ऑर्डर हुक्म वो फॉलो नहीं कर सकते हैं वो अपने क्या होते हैं अपने मन मोजी होते हैं यानी अपने मन का वो राजा होते हैं वो किसी का नहीं मानते हैं ये एक्सप्लेन दोबर्ट विद बिकॉजन ऑर्डर उसने explain किया कि जो रॉबर्ट है वो इस जमीन पे मौजूद है क्योंकि इंसान उन्हें बनाया है ओके okay, अगर इंसान नहीं बनाता तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता एंड कंट्रोल विद ऑर्डर और उनको कंट्रोल करते हैं रोबोट्स को अपने ऑर्डर के जरिए इज देट रोबोट एग्जिस्टेड टू सपोर्ट ह्यूमन एंड देट इज़ वाई ह्यूमन वेर सुपीरियर टू रॉबर्ट्स उसने कहा कि ये सी पढ़नी है ओके दूसरी यहाँ पे आए तो उसने कहा कि यहाँ पे रोबोट मौजूद है क्योंकि इंसान ने उन्हें बनाया है और इंसान ने अपने सपोर्ट्स के लिए उसको बनाया है अपने यानी काम के लिए अपनी मदद के लिए उसको बनाया इंसान ने अपनी मदद के लिए रोबोट्स को बनाया है इसलिए जो इंसान है वो रोबोट से क्या है सुपीरियर है यहाँ पे इंसान ने रोबोट को बनाया रोबोट ने इंसान को नहीं बनाया है तो इसलिए जो रोबर्ट्स है वो सुपीरियर है किससे इंसान यानी रोबोट जो है इंसान जो है सुपीरियर है रोबोट से तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं सी पे तो हाउ मनी हाउ मैनीफ्ट ऑन द प्लानिट वियर नंबर रिड्यूस इट तो सवाल है कि इस धरती पे अभी कितना इंसान बचे हैं और इनका जो नंबर है वो क्यों कम हो चुके हैं तो उसका आंसर है दिस बुरुश देर वेर लेस अ थाउजेंड ह्यूमन लेफ्ट ऑन द प्लान यानी इस धरती पर हज़ार के करीब जो है इंसान जिंदा बचा है देर नंबर हेड रिड्यूस इट बिकॉज ह्यूमन हेड कंटिन्यू टू डिस्ट्राई डेम सलव फॉर वेरियस रीजन देट इज़ द रोबोट कुड न तो कहते हैं इसका जवाब ये है कि जो इंसान है वो इन हज़ार ही बचे हैं ज़मीन पे और इनका जो नंबर है वो कम हो चुके हैं क्योंकि इंसान ने कंटिन्यूली लगातार उन्होंने अपने आप को यानी इंसानों इंसान ने इंसानों को क्या किया ख़त्म किया फरवेर बहुत सारे रीज़न के लिए वजह के लिए ओके बहुत सारे रीज़न के लिए उन्होंने अपने आप को क्या किया है ख़त्म किया है देर द रोबोट जो रोबोट के समझ में कभी नहीं आएगा अब क्वेश्चन नंबर डी है व्हाई डिड द ह्यूमन स्टार रिप्लेसिंग विथ रोबोट्स तो यहाँ पे सवाल है कि ए, कि किूमन जो है वो उसने यानी इंसानों की जगह नहीं इंसान ने खुद इंसानों के जगह रोबोट का उन्होंने रिप्लेस क्यों किया ओके यानी इंसान के जगह उन्होंने रोबोट से काम लेना क्यों शुरू किया। According to mobile humans started replacing themselves with robots because they thought robots were superior to human and they did not need to so many humans। तो mobile के मुताबिक जो इंसान है उन्होंने अपने यानी इंसानों के जगह रोबोट का इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया क्योंकि उनको लगा वो लोग सोचते थे कि जो रोबोट से वो सुपीरियर है ताकतवर है। Okay, ताक़तवर है ता, यानी ताकतवर मतलब यहाँ पे क्या है? काम करने में वो बहुत ही सक्षम है ताकतवर है जैसे कि एक दस इंसान का काम एक रोबोट कर सकता है एंड दे डिड नॉट नीड सो मेनी ह्यूमंस और उनको बहुत सारे अब क्या हो गया उनका काम आसान हो गया ना जैसे कि अगर दस आदमी के जो उसको तनख्वाह देना पड़ता है या उसको पैसा देना पड़ता है उसकी जगह अगर एक रोबोट से उसका काम चल गया तो उसको आसानी हो गया इसलिए उन्होंने क्या किया है इंसानों की जगह रोबोट्स लाना शुरू किया है फिर ई पार्ट का आ, सवाल है व्हाट वुड अ ह्यूमन डू इन केस अ रोबोट वाज वोट यानी क्या करता है अगर कोई जो रोबोट्स है वो डिस हो जाते हैं या वो नाफुरमानी हो जाते हैं नाफरमान हो जाता था तो इंसान क्या करता है अकॉर्डिंग टू मोबोट अमन व्लो आ रोबोट सर सर्किट इन अ रोबोट इफ अ रोबोट वॉजोबीडें तो यहाँ पे मोबट के, के मुताबिक इंसान क्या करेगा और उस रोबोट के सर्किट को ही उखाड़ देगा उसको ब्लो करके ओके उसको उखाड़ देगा उसको ख़त्म कर देगा अगर कोई रोबोट डिस हो जाएगा तो आज मेरा सियात भी कुछ ठीक नहीं है आ, ओके सॉरी फॉर देट तो फिर इसके बाद दूसरा है रीड द रीड द गिवन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन रोबर्ट्स एंड ह्यूमंस राइट आर फॉर दोस रिलेटिंग टू एंड एच फॉर दोस रिलेटिंग टू ह्यूमंस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उसके लास्ट में आपको क्या लिखना है आर या एच लिखना है ओके okay, तो जो रॉबर्ट से रिलेटेड है यहाँ पे कंपैरिजन है रोबोट और ह्यूमन के बारे में ये कंपैरिजन का टेबल्स आप लोगों को हमने टेस्ट में भी दिया था तो यहाँ पे जो इंसान से रिलेटेड है जो इंसान से मुतक़ है उसके लिए एच लिखना है और जो रोबोट से मुतल है उसके लिए आर लिखना है इंसान से जो मतलब उसके लिए एच रोबोट से जो मुतलब उसके लिए आर लिखना है कान भी कंट्रोल जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता है वो क्या है वो हमें पता है इंसान है कैन भी कंट्रोल्ड बाई प्रोग्रामिंग उसको हम प्रोग्रामिंग के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या है आपको लिखना है कैन हैव ग्रेट फिज़िकल फोर्स इनके पास बहुत ही जिसमानी ताकत होते हैं फिजिकल फ़ोर्स ज़्यादा होते हैं ताकत ज़्यादा होते हैं वो क्या हैव नो रियल फिजिकल पावर उनके पास ज़्यादा फिजिकल पावर्स नहीं पावर या फोर्स नहीं होते वो क्या है मेमोरी बैंक हैव लो कैपेसिटी उनका जो याददाश्त होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं मेमोरी बैंक हैव ग्रेटर कैपेसिटी इनका जो याददाश होते हैं बहुत तेज होते हैं डेंजरस एंड हार्मफुल ये ख़तरनाक है और नुकसानद है हार्मलेशस इनका कोई यानी नुकसान नहीं है यूजलेस प्रोग्रामिट अदरवाइज ओके यानी अगर उनमें प्रोग्रामिट नहीं होगा तो वो अनस प्रोग्रामिट अदरवाइज ओके यानी अगर वो हार्मलेशस है अगर उस यानी जो प्रोग्राम जिस तरह से उसको प्रोग्रामिंग किया गया है उसके हिसाब से अगर वो हार्मफुल प्रोगिंग किया गया तो वो हार्मफुल है परफॉर्म एज़ पर इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम यानी वो जो अपना जो काम होते हैं वो उनको जो इंस्ट्रैक्ट दिया होता है उसके हिसाब से या जो प्रोग्रामिंग किया होता है उसके हिसाब से वो करते हैं तो जे जे पढ़ है लास्ट है परफॉर्म एनी एक्शन वो यानी वो कुछ भी कर सकता है तो यहाँ से आपका लेसन खत्म हुआ होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा ओके हैव ए नाइस डे